तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। अगर तुम देखोगे इस वाले प्रॉब्लम को, तो एक अच्छा प्रॉब्लम है। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल सो दैट इट क्लियर ए वॉल 4 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से 4 मीटर आगे चले जाओ, ग्राउंड से 4 मीटर आगे, और जैसे ही बॉल फेंकोगे तो यहाँ से 4 मीटर हाइट का एक वॉल भी है यार, हियर इज द वॉल। और ये जो बॉल है इस वॉल को क्लियर कर लेता है, जस्ट क्लियर करता है, ठीक है ना। ये वॉल थोड़ी सी मेरी टेढ़ी हो गई, पर आप समझदार हो। तो ये जो हाइट है, ये 4 मीटर हाइट है वॉल की, और वॉल की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो है वो डिस्टेंस भी 4 मीटर है। मतलब वॉल के इस पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,4 आ जाएगा, ठीक ना। 4,4 x,y होता है। एंड फॉल 40 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल ये 14 मीटर इधर गिरता है, 14 मीटर ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज 14 मीटर ऑलरेडी गिवेन यहाँ से, 14 मीटर फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगी, इस चीज़ को हम मैं कितने वेलोसिटी से फेंका था वो हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से ये जो यू है ना, यहाँ से फेंका गया था यू से, तो इसी यू की हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक ना। तो इस यू की कैलकुलेशन के क्या लॉजिक अगर मैं डेवलप करूँ, तो सबसे पहले मुझे रेंज पहले से पता है, ठीक ना। रेंज मुझे पता है, तो अगर मैं रेंज मुझे पहले से पता है तो, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, वो एक अननोन है। तो थीटा अगर अननोन है तो हम सबको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़े होंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस x/r, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये किसी भी पॉइंट को, इस पैराबोलिक पाथ पे कोई भी पॉइंट पी है एक्स वाई, ठीक है ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, चाहे वो पॉइंट कहीं भी हो, ठीक है ना। पी और एक्स और वाई है तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं लगा देता हूँ, तो आई की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू भी 4 है, तो हमें टेन थीटा यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता चल जाएगा, 1 माइनस x। एक्स की वैल्यू क्या भाई, एक्स क्या है यार, एक्स की वैल्यू यहाँ 4 है। रेंज कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 14, तो ये आ जाएगा रेंज। यहाँ से तुम देखोगे तो 1 इधर और इधर टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और इधर आ जाएगी 1 माइनस 4 बाई, यहाँ से 18, 1 माइनस 4 बाई 18। यहाँ से टेन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, वो कितना आ जाएगा, 9/7, ठीक ना। तो 9/7 दिस इज बेसिकली, इधर आ जाएगा 18, तो 18 में देखो अगर 4, तो ये आ जाएगा 2 से 14/18, तो ये 9/7 टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे टेन थीटा तो तुम्हें यहाँ से पता चल ही गया, लेकिन हमें क्या था अभी, रेंज यू निकालना था। तो यू निकालने के लिए थोड़ा सा मुझे और स्पेस चाहिए, तो मैं थोड़ा और स्पेस बनाता हूँ यहाँ से। तो यू यू कैलकुलेट करने के लिए जब मुझे टेन थीटा पता चल गया, तो मैं रेंज का फार्मूला अगर लगाऊंगा तो उसमें से यू प्रॉब्लम आएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा पता कर लेते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू मतलब 9/7 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 9/7 ही आ जाएगा, 81 प्लस 49 अंडर रूट। तो 81 और +49 अंडर रूट कितना हो जाएगा यार, ठीक है ना। तो ये 50, 130 अंडर रूट, तो 130 यहाँ से आ जाएगा 50 और 80, 130। तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू वो 9/130 अंडर रूट, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7/130 अंडर रूट। तो अगर मैं रेंज का आप फार्मूला लगाता हूँ, तो रेंज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई जी होता है। तो रेंज तो हमें पहले पता था 14 और 18, 18 और g का मल्टीप्लिकेशन 10 और यू स्क्वायर, और यहाँ से साइन थीटा की 9/130 अंडर रूट और +7/130 अंडर रूट, ठीक है। तो अब यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करोगे, तो यू की वैल्यू सॉल्व कर लेना, इसको 180 अंडर रूट आ जाएगा, ठीक ना। तो ये फाइनली इसका 180 नहीं आएगा, 182 आ जाएगा, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन सॉल्व
182 अंडर रूट ए आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है वो ए ऑप्शन अपना सही है। थैंक यू।